एवरीबॉडी, मैं हूं प्रति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग में हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो साल का सबसे बड़ा सुपर मून होने वाला है वो सुपर मून में एनर्जीज किस तरह से चेंज होने वाली है और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। ओके, सो गाइस, हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस उतने ही मैसेजेस आपने रखने हैं, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं उन्हें जबरदस्ती अपनी सिचुएशन पर इम्पोज नहीं करना है। ऑलराइट गाइस, देखिए, कई लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि क्या टैरो में जो होता है वो असल में होता है और क्या वो 100% ट्रूथ होता है। तो देखिए, टैरो जो होता है वो आपको लाइफ गाइडेंस देता है, राइट? यहाँ पर कोई आपको गारंटी नहीं दी जाती है, लेकिन एक गाइडेंस दिया जाता है जिसके बेसिस पर आप अपना आगे का जो भी आपका प्लानिंग है आपके उसके बारे में सोच सकते हैं। आगे जो आपको करना है, जो सिचुएशन है, उसमें आपको एक राइट गाइडेंस मिल सकता है, एक राइट डायरेक्शन मिल सकता है। ओके, ऑलराइट, चलिए गाइस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, माय गाइड, माय गॉड, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चलने वाला है और ये जो सुपरमून होने वाला है इसके बाद में क्या एनर्जीज रहने वाली है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या रिलेशनशिप रहने वाला है। यूनिवर्स, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में ये फुल मून का क्या इफेक्ट होने वाला है, उनका रिलेशनशिप पर इसका क्या असर होने वाला है। प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए। ऑलराइट, यहां पर गाइस हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं और हम दोनों ही कार्ड्स ले लेंगे, द स्टार एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, द एम्परर। ओके, चलिए और देख लेते हैं। एरीज यहां पर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, एरीज, लियो, सैज, यहां पर हमारे पास नंबर 5 निकल कर आ चुका है। एरीज, लियो, सैज, ओके, और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। यूनिवर्स, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में और क्या चल रहा है और ये फुल मून का सुपर मून का क्या इफेक्ट होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, चलिए और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा निकल कर आया है। ऑलराइट, एस ऑफ कप्स, ओके, गाइस ये जो रीडिंग है बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए होने वाली है। ये रीडिंग हो सकता है कि हर किसी के साथ में रेजोनेट ना करे, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइस। ओके गाइस, देखिए रीडिंग में जो भी मैसेजेस निकल कर आए आपको दुखी नहीं होना है और ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है और बहुत सारी एनर्जीज पे बेस्ड होती है। इसीलिए इस रीडिंग को अपनी पर्सनल रीडिंग समझकर इस पर बेसिस कोई भी डिसीजन आपने नहीं लेना है। ओके, ऑलराइट, अपनी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइज। यहां पर देखिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। सो यहां पर एक कंप्लीट मिसमैच की फीलिंग मुझे मिलती है। थर्ड पार्टी या फिर आपके पार्टनर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक मुझे बहुत बड़ा एज डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि ये रीडिंग बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए हो सकती है, हर किसी के लिए रीडिंग रेजोनेट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
गाइस, यहाँ पर देखिए एक नई अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि इन दोनों की जिंदगी में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। किसी किसी के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में यह भी पॉसिबल है कि बच्चा आने वाला है। यहाँ पर कोई तो है जो प्रेग्नेंट है और एक एक बच्चे के आने की खुशी ये लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी यहाँ पर सेलिब्रेशन तो नहीं हो पा रही है। लेकिन बच्चे के आने की इनके दिल में जरूर खुशी है, ये चाहते हैं कि इस खुशी को सेलिब्रेट करें, लेकिन इनके आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं वो यहाँ पर ठीक नहीं है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप शायद उतनी ठीक नहीं है जितनी की होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर सराउंडिंग कार्ड्स को देखते हैं गाइस, तो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया है, द स्टार्ट दिस कार्ड इटसेल्फ सेज, यहाँ पर ये कार्ड खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ये बताता है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं यहाँ पर बस एक नई शुरुआत करने के चक्कर में है। इनको लगता है कि जैसा भी चल रहा है उसको बस अब आगे लेकर जाया जाए और अब पीछे नहीं हटना चाहते हैं। इनको लगता है सिचुएशन चाहे जो भी हो, चाहे थर्ड पार्टी के साथ अभी कुछ भी चल रहा है, बस अभी जिंदगी को आगे लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बैक करने का, इस रिलेशनशिप से कुछ छोटे से सेट ऑफ पीपल को यहाँ पर स्टेप बैक करने का इनको कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है इस रिलेशनशिप को अब निभाना ही होगा और इस रिश्ते में चाहे जितनी भी मुसीबतें आए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ही है। और इनके इमोशंस यहाँ पर मैं चेंज होते हुए देख पा रही हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर विद दिस रीडिंग यहाँ पर एक कंप्लीट फीलिंग मिलती है कि इस बच्चे के आने से या इस बच्चे के आने की खुशी में यहाँ पर ये चाहे इनके पार्टनर के साथ, चाहे थर्ड पार्टी के साथ इनके रिलेशन कैसे भी हो, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि इस बच्चे के कारण इनको इस रिलेशनशिप में रुकना ही होगा और इस बच्चे के कारण इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना होगा। तो ये सिचुएशंस को ठीक करने की कोशिश में है। अगर इनका किसी से, यहाँ पर देखिए गाइज, हो सकता है यहाँ पर आपके लिए, किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग हो सकता है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, अब शायद इनका जो ध्यान है इनके किसी प्रीवियस पार्टनर से हट सकता है, वो आप ही हो सकते हैं, और ये ज्यादा करके थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देने वाले हैं, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। कुछ छोटा सा सेट ऑफ पीपल यहाँ पर ऐसे हैं जो कि थर्ड पार्टी से बहुत इनको एक एक मॉनिटरी सपोर्ट यहाँ पर बहुत सारा मिल रहा है और ये थर्ड पार्टी और इनके बीच में छोटा मोटा यहाँ पर कुछ बाहरी इन्फ्लुएंस के कारण कुछ प्रॉब्लम हुआ है। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर कोई फादर फिगर है जो थर्ड पार्टी है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं ये फिर भी सोच रहे हैं कि कुछ करके यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो फादर फिगर जो है थर्ड पार्टी, या ये कोई भी पेरेंट है जिनके केस में थर्ड पार्टी, उनको कुछ छोटा मोटा गिफ्ट देकर मना लेंगे या फिर उनसे बात करके उनको अपने ये स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने प्यार भरी बातों में लाकर अपने पेरेंट को मना लेंगे, ये आपके लिए और इनके रिश्ते के लिए, इस तरह के फीलिंग्स भी यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पर मेजरली जो थर्ड पार्टी मुझे दिखाई देती है वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पर्सन दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग लोगों से मैरिड है और यहाँ पर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी फैमिली डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बावजूद इसके भी इन दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे डिफरेंसेस होते हुए दिखाई देते हैं। सो गाइज, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस होने की वजह ये भी यहाँ पर नजर आती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी फैमिली की तरफ यहाँ पर थर्ड पार्टी की साइड में ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपने स्पाउस की तरफ ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इस वजह से आप दोनों का जो रिलेशनशिप है मुझे थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ाता हुआ दिखता है। तो गाइज देखिए, यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर थर्ड पार्टी रीडिंग में भी आपका जो है एनर्जीज पिकअप हो रहे हैं। मुझे ये चाहते हैं कि आपसे बात करें लेकिन आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीजें इनके दिल में यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है, कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा इंसिस्ट की कर रहे हैं कि अपने फैमिली में ध्यान दे, अपने घर में ध्यान दे। और आप में से कुछ लोगों के केस में गाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पता भी चल चुका है कि आप इनकी जिंदगी में है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर गाइज आपसे ऑलरेडी एनकाउंटर हो चुका है थर्ड पार्टी का
और थर्ड पार्टी और आपके बीच में शायद कुछ हॉट कॉन्वर्जेशन हो चुके हैं, और जिन लोगों के साथ नहीं हुए हैं तो ट्रस्ट मी दिस आफ्टर दिस सुपर मून ये सिचुएशंस बन रही हैं कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चले और आप दोनों के 1-to-1 हॉट कॉन्वर्जेशंस हो सकते हैं, आपके आपस में वार्तालाप हो सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ ज्यादा कहासुनी हो सकती है। ये गाइस ये एक बहुत इंटेंस रीडिंग है जो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। फुल मून में क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या कुछ होगा, और ये जो मून है ये क्या कुछ एनर्जी चेंजेस लेकर आ रहा है। यहाँ पर गाइस जो लोग भी आपके पार्टनर हैं जो कि ऐसे थर्ड पार्टी में हैं जो कि इनसे एज में बड़े हैं, तो ये काफी रिजिड होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि शायद थर्ड पार्टी बहुत केयरिंग और लविंग होने के बावजूद भी आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पर ये मुझे थोड़े रिजिड होते हुए दिखाई देते हैं, और थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर अपने रुपए पैसों का थोड़ा रौब दिखाते हुए मुझे दिखते हैं। बट यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं इनको बिल्कुल भी ये सारी चीजें पसंद नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अगर कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स इन्होंने थर्ड पार्टी से लिए हैं या फिर इन दोनों के बीच में अगर किसी तरह का जायदाद या प्रॉपर्टी का लेना देना है या फिर रुपए पैसों का लेना देना कुछ होगा, तो इनको पसंद नहीं है कि थर्ड पार्टी वो एहसान जताए या बातों में कहकर दिखाए इनको कि इन्होंने थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ फेवर किया है। तो थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर के दिल में यहाँ पर मुझे थोड़े से डिफरेंसेस होते हुए दिखाई देते हैं। इनको लगता है कि थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा ये दिखाने के चक्कर में है कि इनसे इन्होंने पैसे वैसे लिए हैं, और ये थर्ड पार्टी शायद चाहते हैं कि आपके पार्टनर इनसे थोड़े दब कर रहे क्योंकि इन्होंने इन पर कुछ फेवर्स किए हैं। गाइज यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप थोड़ा सा मुझे यहाँ पर नंबर 10 वी हैव रिसीव्ड एट द लास्ट ऑफ द रीडिंग, तो यहाँ पर लास्ट कार्ड जो बताता है नंबर 10, ये बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए अगर आप गाइस सारे कार्ड यहाँ पर देखते हैं एक नई बिगनिंग दिखती है, लेकिन ये इमेच्योर मूव होते हुए मुझे दिखाई देता है। इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल आते हुए दिखाई देता है गाइस, और साथ में ही बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर खुशी आते हुए दिखाई देती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक बच्चे की एंट्री मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई देती है। कुछ लोगों के केस में जो ऑलरेडी मैरिड है वहां पर ऑलरेडी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपके जो पार्टनर है वो मुझे यहाँ पर स्टक पोजिशन में दिखाई देते हैं। सो गाइज यहाँ पर बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है इसमें एक एंड होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आता है। बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन, लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ पीपल के लिए गाइज एक पॉजिटिव चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि ये रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए है, ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए शायद ना हो और बहुत सारे लोगों के लिए हो क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग यहाँ पर निकल कर आई है। सो गाइज यहाँ पर देखिए विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन कॉम्बिनेशन विद एस ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर तो मुझे बहुत एक पॉजिटिव चेंज की साइड में ये जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि एक इनका जो एक टफ साइकिल था वो खत्म हो चुका है और एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पर एक नई शुरुआत होने की कगार पर है। स्पेशली वो लोग जो मैरिड हैं अपने स्पाउस से और उनके स्पाउस यहाँ पर थर्ड पार्टी हैं, तो मुझे यहाँ पर क्लियर फील मिलता है कि चाहे इन दोनों के बीच में कुछ भी डिफरेंसेस हो लेकिन ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर समझेंगे और शायद ये आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, अपनी फैमिली की तरफ ये जाते हुए मुझे दिखाई देते हैं। थर्ड पार्टी अगर आप इनके स्पाउस को समझते हैं तो आई एम सॉरी टू से, हो सकता है आपको मेरी बातें यहाँ पर बुरी लग रही हो, लेकिन ये अपने स्पाउस की तरफ चले जाएंगे, अपनी फैमिली की तरफ यहाँ पर ये मुझे जाते हुए दिखते हैं। सो गाइज फिलहाल के लिए यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल कलरफुल रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।